कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल रोहतक में यात्रा निकाली। कांग्रेस भवन से भिवानी स्टैंड तक पहुंची इस यात्रा में हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए उत्साहित नजर आए। गलियों और सड़कों पर पैदल मार्च करने के साथ साथ दुकान और मकानों की छतों पर चढ़कर नारों के साथ भी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। लोगों का उत्साह देखकर हुड्डा गदगद नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। यात्रा से पहले जन्माष्टमी के मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी दी। अच्छा हुड्डा साहब, आप बार में आपने वकीलों के लिए घोषणा की, पहले प्लॉट मिलते थे, आपने दोबारा घोषणा की है कि सरकार आई हमारी तो वो स्कीम शुरू करेंगे और उनका इंश्योरेंस का वो भी शुरू करेंगे। वकील भी बहुत सारे इंश्योरेंस निकालते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, क्योंकि आपके कांग्रेस के समय में था वकीलों के लिए, बाद में कांग्रेस के समय वकीलों के लिए हुड्डा में आरक्षण था प्लॉटों का, तो क्या आपने आपके जो है एक तो उसका नाम ही बदल दिया, उन्होंने नाम रख दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। पहले था एच यू डी ए हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे मेरे मेजर साहब ने नाम बदल दिया। मैं वो तो एच यू डी ए था, मैं तो एच डब्ल्यू डी हूँ, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इन्होंने जो मकसद था, जिस पर्पस से हुड्डा बना था, आम आदमी को प्लॉट मिले, गरीब आदमी को मिले, मध्यवर्गीय लोगों को मिले प्लॉट में, अब ऑक्शन में रख दिए। ऑक्शन में तो मध्यवर्गीय लोग तो ले नहीं सकते, उनसे तो गए वंचित हो गए, तो वकीलों के तो कहाँ देंगे। सर, सीएम ने जाट संस्था में सीएम ने घोषणा की थी कि अलग से सुनारिया के पास